जंगल में कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। सब पक्षियों के घर से दाना भी खत्म हो चुका था। गुड़िया कुकु, ये दो दाने बचे हैं, इन्हें आपस में बांट के खा लो। नहीं मम्मा, मुझे तेज भूख लगी है, ये दोनों दाने तो मैं ही खाऊंगा। आप गुड़िया को कुछ और खाने को दें। कुकु, मैंने कहा ना, घर में बस दो ही दाने हैं, चुपचाप एक एक बांट के खा लो। मेरा दिमाग ना खराब करो, मैं पहले से ही भोजन को लेकर चिंता में हूँ। कालू, मुझे बहुत भूख लगी है, कहीं से भी दो लेकिन मुझे दाना दो। मैं कहाँ से दे दूँ, दिख नहीं रहा, बाहर तेज बारिश है, अगर ज्यादा भूख लगी है तो पानी पी ले। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मेरा पेट भरना तुम्हारा ही काम है, कहीं से भी दो लेकिन मुझे दाना दो। अजीब जबरदस्ती है, मैं भी तो भूखा हूँ, फिर तुम्हें दाना कहाँ से दूँ। कालू, चिड़िया से ही कुछ मांग लाओ, अगर होगा तो वो जरूर दे देगी। अपनी पत्नी की ये बात सुनकर कालू का वह चिड़िया के घर चला जाता है। चिड़िया चिड़िया, जल्दी दरवाजा खोले, मैं कालू को पा। बोले कालू भैया, क्या काम है, पर एक बात मैं पहले ही बोल दूं, प्लीज दाना ना मांगना, मेरे पास एक दाना भी नहीं बचा। अब क्या होगा, गोरी भूख से चिल्ला रही है, झगड़ा कर रही है चिड़िया, उसे बहुत भूख लगी है, अब मैं क्या लेके जाऊं। कालू भैया, दाने को लेकर तो मैं भी बहुत परेशान हूँ, चलो साथ में कहीं से दाने की खोज करते हैं, जो भी मिलेगा उसे आधा आधा बांट लेंगे। ठीक है चिड़िया, चलो, ऐसे कब तक भूखे रहेंगे, बारिश का क्या है, कब बंद हो। वो दोनों बारिश में ही दाने की खोज को चले जाते हैं। चिड़िया, दाना मिल भी जाएगा या फिर बारिश में यूं ही भटकते रहेंगे। अब आए हैं तो कुछ ना कुछ लेकर ही जाएंगे, ऐसे खाली हाथ तो नहीं लौटेंगे। ऐसे वो दोनों दूर दूर तक दाने की खोज करते हैं, मगर कुछ नहीं मिलता, बारिश भी तेज होती जा रही थी। लगता है चिड़िया, अब हमें लौट जाना चाहिए, दाना तो कहीं नहीं मिल रहा, बारिश भी जोरों की है। हाँ कालू भैया, आप शायद ठीक कहते हो। ऐसे वो दोनों अपने जंगल लौटने लगते हैं, तभी चिड़िया की नजर एक रास्ते में पड़ी पोटली पर जाती है। रुके कालू भैया, मुझे कुछ दिखाई दिया है, चले जल्दी। वो दोनों भाग कर पोटली के पास आते हैं, चिड़िया जल्दी से पोटली खोलती है। अरे वाह, इसमें तो लड्डू है। कालू भैया, हमारा काम बन गया, देखो मुझे कितने सारे लड्डू मिले, अब हम इन्हें आधे आधे बांट लेंगे। चिड़िया तो बहुत खुश थी, मगर कालू कौवा बहुत चालाक था, वो तो लड्डुओं की पोटली अकेले ही हड़पना चाहता है। चिड़िया बहन, उस झोपड़े में किसी के रोने की आवाज आ रही है, जल्दी देखो, कोई मुसीबत में है। नहीं कालू, मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। चिड़िया, तुमने शायद ठीक से नहीं सुना, लेकिन मुझे तो सब सुनाई पड़ा। ठीक है तो कालू, हम एक बार जाकर देख लेते हैं, शायद कोई भूखा ही हो, तो उसे भी एक लड्डू दे देंगे। से बातें कर वो दोनों झोपड़े की तरफ चले जाते हैं। कालू दरवाजे पर ही रुक जाता है। रुक क्यों गए कालू भैया, अंदर चले। चिड़िया बहन, इस झोपड़े में कितना अंधेरा है, मुझे अंधेरे से डर लगता है, मैं नहीं जाऊंगा, आप ही देखें। अरे कालू, आप एक नंबर के डरपोक हो, ये पोटली पकड़ो, मैं ही अंदर जाती हूँ। चिड़िया पोटली कालू को देकर झोपड़ी में घुस जाती है। कालू कौवा तो इसी पल के इंतजार में था, वो झट से झोपड़ी का दरवाजा बंद कर देता है और पूरी पोटली लेकर भाग जाता है। अच्छा, ये तुम्हारी चाल थी, मैं समझ ना पाई, अब क्या करूं, घर कैसे जाऊं, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अरे बेटी, आप कौन हो और दरवाजा किसने बंद किया है। बूढ़ी माँ जी, ये दरवाजा एक कौवे ने बंद किया, जो मेरा दोस्त है, हम दोनों दाने की खोज में निकले थे, जब दाना मिला तो वो मुझे यहाँ बंद करके सारा दाना लेकर भाग गया। बहुत बुरा किया तुम्हारे दोस्त ने, ऐसे दोस्त तो ना हो वही अच्छा। माँ जी, अब ये दरवाजा कैसे खुलेगा, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे घर जाना है। बेटी, अब तो दरवाजा तभी खुलेगा जब कोई बाहर से गुजरेगा। मुझे नहीं लगता इस तेज बारिश में यहाँ से कोई गुजरेगा। हिम्मत रखो बेटी, कोई तो जरूर आएगा, लो ये बांस के पकौड़े खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। माँ जी, बांस के पकौड़े मैंने तो पहली बार सुने हैं, आप क्या ये बांस खाती हो। हाँ बेटी, बारिश के कारण जंगल में एक दाना तक नहीं मिलता, तब मैं ये बांस काट के लाई हूँ और इनके पकौड़े बनाकर खाती हूँ, तुम भी खाओ, बहुत स्वादिष्ट है। चिड़िया एक बांस का पकौड़ा खा लेती है, उसे तो वो बहुत स्वादिष्ट लगता है। माँ जी, सच में ये पकौड़े तो वाकई में बहुत स्वाद हैं, क्या मैं थोड़े से पकौड़े अपने बच्चों के लिए ले जा सकती हूँ। बेटी, ये पकौड़े तो मैंने कल के बना के रखे हैं, अब मैं इन्हें रात को खाऊंगी, बुढ़ी जो हूँ इसीलिए बार बार नहीं पकाया जाता, तू ये बांस ले जा।
और अपने बच्चों को गरम गरम पकौड़े बनाकर खिलाओ। माँ जी, फिर मैं आपके मेहनत से लाए हुए बांस ही क्यों ले जाऊँ? जब अपने घर जाऊंगी तो जाते समय थोड़े बांस ही काट ले जाऊंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे इन पकौड़े के बारे में बताया, वरना मैं तो इन सब से अनजान थी। ऐसे वो दोनों बातें कर रही थी तभी चिड़िया की नज़र दरवाजे की दरार से एक पक्षी पर जाती है। वो उसे चिल्लाकर रोक लेती है और दरवाजा खुलते ही बाहर चली जाती है। ये रहे कच्चे कच्चे बांस। फिर चिड़िया ढेर सारे बांस काट लेती है और अपने घर आकर ढेर सारे बांस के पकौड़े बना देती है। बच्चे खूब पकौड़े खाते हैं। मम्मा, पूरा पेट भर गया, ये पकौड़े तो बहुत स्वाद लगे। क्यों ना आप बांस के पकौड़ों का ठेला लगाएं, क्योंकि ना जाने हमारी तरह कितने पक्षी बारिश में भूखे होंगे। हाँ बेटी, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, और हम अपने ठेले पर लिखेंगे, पैसे हो वो भी खाए और ना हो वो भी खाए, क्योंकि इस तेज बारिश में सब बेबस हैं। फिर मम्मा चिड़िया ऐसा ही करती है, वो ढेर सारे बांस काट कर लाती और अपने घर के बाहर ही बांस के पकौड़े लेकर बैठ जाती है। बारिश के सताए सब पक्षी चिड़िया के पास ही पकौड़े खाने आने लगते हैं। चिड़िया बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा पेट भर गया, लेकिन मेरे पास सिर्फ 5 रुपए हैं। कोई बात नहीं कबूतर भैया, मैंने तो पहले ही लिखा है, पैसे हो वो भी खाए और ना हो वो भी खाए। चिड़िया बहन, मेरे पास तो पैसे हैं, आप ये पैसों से ही खिलाएं, ऐसी बारिश में खाना मिला यही बहुत है। चिड़िया मिट्ठू को भी पकौड़े खिलाती है। ऐसे सब पक्षी भूख लगने पर चिड़िया के ठेले पर आने लगे थे। बात कौवों के घर भी पहुंच जाती है, वो भी भागे भागे चिड़िया के पास आते हैं। चिड़िया, तुम फ्री में पकौड़े खिला रही हो, हमें भी दो, बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ चिड़िया, जल्दी दे दो, भूख से बुरा हाल है। कालू कौवे, याद करो उस दिन तुम ही थे जो मुझे झोपड़े में बंद करके भाग गए थे और सारे लड्डू भी अकेले खा गए। भागो यहाँ से, मैं तुम्हें एक पकौड़ा तक नहीं दूंगी। चिड़िया, वो दरवाजा तो खुद ही बंद हो गया था, मैं थोड़े ना बंद करके भागा था। जैसे मैंने देखा नहीं, फिर खोला क्यों नहीं? अब भागो यहाँ से, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाली। चिड़िया बहन प्लीज, मुझे माफ कर दो और पकौड़े खाने दो। नहीं दूंगी, फ्री में तो बिल्कुल नहीं दूंगी, अगर पकौड़े खाने हैं तो पहले पैसे दो। चिड़िया, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो भाग जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें फ्री में एक पकौड़ा नहीं खिलाऊंगी, मुझे झोपड़ी में बंद करके भागे थे। अब जाओ।